स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट हिल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक से रिलेटेड एक काफी अच्छी न्यूज मार्केट में आई है, वो न्यूज मैं आपको बताऊंगा और शॉर्ट टर्म में स्टॉक आपको कितना रिटर्न दे सकता है एज वेल एज लॉन्ग टर्म इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और अभी बाय करना चाहिए कि नहीं, एंट्री लेवल है कि नहीं, इस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी से हम कंपनी का फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मिड कैप की कंपनी है और 447 रुपए का प्राइस चल रहा है। 925 रुपए का हाई एक साल में लगा चुका है और उससे गिर करके 447 पे मिल रहा है, 477 पे मिल रहा है, यानी कितने कम रेट पे मिला आप देख ही रहे हैं। 321 का बुक वैल्यू और बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 1.21 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है। 13.4 का वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन ज्यादा हाई नहीं है। आरओसी और आरओई भी कंपनी का अच्छा है। कंपनी के डेप्थ की बात करें तो कंपनी का डेप्थ लगातार रिड्यूस हो रहा है। पहले 3 साल पहले 3400 करोड़ का था लेकिन अभी 3000 करोड़ का है। प्रमोटर की हिस्सेदारी भी 50% के ऊपर है। रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छे खासे हैं और एसेट भी कंपनी के पास ठीक ठाक है। प्लस्ड परसेंटेज 0 है और डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। 1 रुपए के फेस वैल्यू के स्टॉक है और सेल्स ग्रोथ 1.56% है। बात करें कंपनी के काम की तो कंपनी का काम है फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखा तो यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है काफी अच्छी आ रही है, लेकिन पिछले क्वार्टर में सेल्स अच्छी नहीं आई है। यहाँ पे अगर हम बात करें सेल्स की पिछले 2 साल पहले कितनी सेल्स आती थी, तो पहले 2 साल पहले काफी अच्छी सेल्स आती थी लेकिन अभी नहीं आ रही है। इस वजह से शेयर प्राइस में आपको प्रेशर देखने को अब तक मिला है, इसलिए डाउन हुआ है। लेकिन आपको ही पता है कि कोई भी स्टॉक अगर नतीजे अच्छे नहीं आते या फिर कोई भी उसमें निगेटिव न्यूज आती है तो उसके नीचे गिरने की एक सीमा होती है, उसके नीचे वो स्टॉक नहीं जाता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या अभी एक ऐसा लेवल आ चुका है जब गिरावट अब बंद हो जानी चाहिए या फिर अभी और गिरावट होगी, इस पे हम जानेंगे। नेट प्रॉफिट में भी कंपनी यहाँ पे है लेकिन पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया है वो काफी कम आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर के पास 50% की हिस्सेदारी है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न Q4 का आ चुका है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 23% है FI के पास, DI के पास 0.63%। हालांकि DI ने अपनी होल्डिंग को घटा लिया है थोड़ा, और 25% पब्लिक की हिस्सेदारी है और अदर्स की है 0.07%। अब उस न्यूज पे बात करते हैं जो काफी बड़ी न्यूज है इस कंपनी के लिए। राकेश झुंझुनवाला सर ने 7.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं इस कंपनी के और कितनी स्टेक ली है उन्होंने 3.61%। अभी तक उन्होंने 3.14 स्टेक रखी थी लेकिन उन्होंने अब अपनी स्टेक बढ़ा करके 3.61% कर ली है, यानी कि इस कंपनी में जो हिस्सेदारी है वो 3.61% RJ की है, राकेश झुंझुनवाला सर की है। 3.61% को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 57,50,000 शेयर्स, यानी कि इतने शेयर्स उनके पास रखे हैं, राकेश झुंझुनवाला सर के पास इतने शेयर्स रखे हैं। अभी तक तो उनके पास 50 लाख था लेकिन उन्होंने 7,50,000 क्वांटिटी और ऐड कर ली है, जिस वजह से इनकी स्टेक 3.14 से बढ़ करके 3.61% हो चुकी है। तो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी बड़ा निवेशक अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो ये न्यूज के चलते आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना होता है, अपना डिसीजन लेना होगा पहले। अगर आपको लगता है कि स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी का बिजनेस सही है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनका रिस्क कैपेसिटी अलग होता है, उनके लिए 200 करोड़ कुछ नहीं होगा लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा। तो अगर ये इनका पैसा अगर जाता भी है इस कंपनी में मान लीजिए तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए बड़ा निवेशक इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको क्या करना है कि बिजनेस कंपनी का समझना है और अगर आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट पे आपको समझना है और तब बाय करना है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो 20% का सर्किट फिल्टर है स्टॉक का और यहाँ पर 477 रुपए पे स्टॉक ट्रेड हुआ है और ASM और GSM लिस्ट में नहीं है ये स्टॉक, जो की काफी अच्छी बात है। कंपनी का अभी Q4 के जो रिजल्ट आने की डेट है वो अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं की है, लेकिन कंपनी जैसे ही अनाउंस करेगी मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा और आपको डेट पता चल जाएगी कि किस डेट को रिजल्ट आने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आ चुके हैं हम इस स्टॉक के चार्ट पे। अब यहाँ पे हमें यह समझना होगा कि क्या अभी बाइंग लेवल स्टॉक में है कि नहीं। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छा पॉइंट मुझे जो लगा कि इस लेवल से स्टॉक में जो गिरावट हुई है और उसके बाद इस लेवल तक वापस से स्टॉक आ चुका है और सपोर्ट भी लिया है, इसका मतलब क्या है कि अब गिरावट बंद हो चुकी है, अब हमें ये स्टॉक ऊपर की ओर रैली दिखाएगा। तो क्लियर इंडिकेशन है कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा अकॉर्डिंग टू टेक्निकल। हालांकि अब अगर आप इसका RSI देखेंगे तो यहाँ पर RSI इंडिकेट ये कर रहा है कि अब ये ओवरबॉट और ओवरसेल जोन में नहीं है, बिल्कुल बीच में है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप यहाँ चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ऑलरेडी ये स्टॉक 950 का, अगर एक साल में अगर आप देखेंगे तो 950 रुपए का हाई ये स्टॉक लगा चुका है। और अगर आप कंपेयर करेंगे इस प्राइस से करंट प्राइस का,
तो करंट प्राइस काफी कम चल रहा है, 477, यानी कि अभी आप बाय कर सकते हैं। और कंपनी का हमने जैसे देखा कि फंडामेंटल काफी अच्छा है, इतनी खराब कंपनी नहीं है। हालांकि जो पिछले क्वार्टर के नतीजे हैं वो अच्छे नहीं आए, इस वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे गया है। लेकिन हमेशा ऐसा हो कि नतीजे अच्छे ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा है तो नतीजे अच्छे ही आएंगे। मुझे लगता है कि Q4 के जो नतीजे आएंगे कंपनी के, वो Q3 के नतीजे से अच्छे आएंगे और शेयर प्राइस हमें काफी ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बाइंग करने की अगर आप सोच रहे हैं, अपनी एनालिसिस करिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि स्टॉक को बाय करना चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन अभी 1 से 2 साल में जैसे अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो ये 1,000 तक कंपनी जाने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। तो इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म का तो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स और एनालिसिस आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टॉक को बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, एनालिसिस के बाद ही स्टॉक को बाय सेल करने के बारे में सोचिए। और किसी भी स्टॉक का अगर आपको डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।